नमस्ते। फिलिस्तीन के एक बड़े नेता यासिर अराफात ने कहा था कि जब तक मुस्लिम देशों का कॉमन दुश्मन इजराइल है, हम सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन जिस दिन कॉमन दुश्मन नहीं रहेगा, हम आपस में ही लड़ेंगे। पर लगता यूं है कि अराफात भी बकलोली करके हूरों की खोज में निकल लिए। अब इजराइल फिलिस्तीनियों की ठुकाई कर रहा है, तो मिलकर लड़ना तो छोड़िए, इन्हें तहमत फाड़ने और टोपी उछालने से ही फुर्सत नहीं है। शिया मुल्क ईरान तो इतनी धमकी दे चुका है कि खुद धमकी भी शर्म के मारे पानी पानी हो रही है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि मुस्लिम देश कहते हैं कि अब की बार मार के दिखा, और इजराइल इन्हें बार बार मारकर चैलेंज और कड़ा कर देता है। पर मुस्लिम देश सिर्फ झंडा उठाओ, गाल बजाओ से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। वहीं दुनिया भी इस उम्मीद में रोज दीदे साफ करती है कि अब तब मुस्लिम देश अपनी ताकत दिखाएंगे। पर लगता यूं है कि जिस दिन ऐसा मंजर आएगा, उस वक्त तक गाजा बंजर हो जाएगा और मुस्लिम देश तहमत उतार कर मैदान में नंगे खड़े होंगे। गाजा का भूगोल समझे तो यह दो हिस्सों में विभाजित है, और इस इलाके के बीचों बीच बहने वाली वादी नदी इसे दो भागों में बांटती है। नदी का एक हिस्सा दक्षिणी गाजा और दूसरा हिस्सा उत्तरी गाजा कहलाता है। वादी नदी के आसपास की जगह को वादी गाजा के नाम से जाना जाता है। पूरी गाजा पट्टी पांच प्रांतों में विभाजित है, जो उत्तरी गाजा, गाजा सिटी, दीर अल बलह, खान यूनिस और रफा है। 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी यानी 365 वर्ग किलोमीटर का इलाका इजराइल और मिस्र की सीमाओं से घिरा हुआ है। गाजा सिटी गाजा पट्टी की राजधानी है। यह हकीकत है कि गाजा पर हमास का कब्जा है, लेकिन इजराइल ने इसकी सीमाओं को ब्लॉक किया हुआ है, और जमीन, हवा एवं समंदर के रास्ते आने या जाने पर परमिशन की जरूरत पड़ती है। गाजा का यह भूगोल इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इजराइल जो चाहे वह इस जमीन पर कर सकता है, और तमाम मुस्लिम देशों को यहां तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। गाजा के उत्तरी हिस्से में लगभग 11 लाख मुसलमान रहते थे। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद 10 लाख मुसलमान दक्षिण गाजा की तरफ भाग गए हैं, और तकरीबन 1 लाख मुसलमान इस इलाके में बचे हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं मुसलमानों के बीच आतंकियों की मौजूदगी है। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के सभी कार्यालय भी उत्तरी गाजा में मौजूद है। आईडीएफ ने अपने आदेश में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों, स्कूलों, अस्पतालों, रिफ्यूजी कैंप और क्लिनिक जैसी संयुक्त राष्ट्र की सेवाओं को भी इलाका खाली करने को कहा है। हालांकि मुसलमान आतंकी समूह हमास ने गाजियों को इजराइल की चेतावनी को नजरअंदाज करने को कहा था, लेकिन पीठ पर वार करने वाले इन गाजियों में इतना दम नहीं है कि वह उसके साथ आमने सामने का मुकाबला कर सके। पूरी दुनिया में मुसलमानों की कुल तादाद 2 अरब के लगभग है, जबकि यहूदियों की आबादी महज 1 करोड़ 46 लाख के लगभग है, यानी मुसलमानों की तुलना में 7 या 8% यहूदी है। लेकिन इन्हीं यहूदियों ने 2 अरब मुसलमानों के गले में पट्टा डालकर उन्हें अपने तलवों में झुका दिया है। एक भी देश की इतनी औकात नहीं है कि वह इजराइल से मुकाबला कर सके। सिर्फ मुल्लाई बकलोली करके तशरीफ बजा रहे हैं। स्थिति गधा चबा गया, बेगम का पान बेगम ने जा उमेठा, मुल्ला का कान वाली बन गई है। यानी इजराइल का तो बाल बाका नहीं हो रहा है, इनमें आपस में मुसलमानों का खलीफा बनने की होड़ मची है। मतलब यह है कि यासिर अराफात के दिमाग में जो खुराफात आई थी, वह भी उल्टी सीधी साबित हो गई। ईरान हिजबुल्ला के दम पर इजराइल पर पीठ पीछे से वार करना चाहता है, लेकिन हिजबुल्ला को सऊदी अरब अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। वहीं सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद ईरान के समर्थक है, लेकिन अभी ज्यादातर हिस्सों पर विद्रोहियों, जिहादियों और कुर्दों का कब्जा है। खास बात यह है कि कुर्द मुसलमान इजराइल का समर्थन करते हैं, जबकि सऊदी अरब और यूएई भी यहां ईरान के खिलाफ खड़े हैं। इतना ही नहीं, यमन में ईरान और खाड़ी देश आमने सामने हैं। यहां ईरान हुती विद्रोहियों के पक्ष में खड़ा है, जबकि सऊदी सेना उनके खिलाफ जंग कर रही है। उधर कतर और सऊदी अरब के बीच पहले 36 का आंकड़ा है। अजरबैजान इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो यूएई तटस्थ हो गया है। ऐसे में इनकी आपस में तशरीफ टकरार रही है, तो इजराइल से नालायक कैसे लड़ेंगे। इसलिए मुल्लाई घुड़की उफान पर है और फिलिस्तीनियों का हुरमिलन अभियान चालू है। इजराइल से पिछवाड़े पिटने के डर से अब मुस्लिम देशों ने कहना शुरू कर दिया है कि यह धर्मयुद्ध नहीं है, बल्कि इजराइल गाजा पर कब्जा करना चाहता है। पर गाजा में 99% आबादी मुस्लिमी है। इसके अलावा यहां अहमदिया मुसलमान भी रहते हैं,
जिन्हें वास्तविक इस्लाम के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। अगर यहूदी गाजा पट्टी में बम गिराएंगे तो इससे किसके पिछवाड़े टूटेंगे यह कोई भी समझ सकता है। यानी मुस्लिम जगत को समझ में तो सब आ रहा है पर अपनी खाल उतरने के डर से मामले को इधर से उधर घुमाया जा रहा है और इसे ही धूर्त मुल्ला पॉलिसी कहते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।